सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम में ये एक बीम दिया है, ठीक है, कैंटिलीवर बीम, और उसके एक एंड में एक मास अटैच है, और इसका मास दिया है 20 kg, और इस बीम का लेंथ दिया है 1000 mm, और ये जो बीम है इसका क्रॉस सेक्शन है स्क्वायर शेप विथ दिस इज द डायमेंशन 25 mm × 25 mm, और ये जो बीम है वो स्टील मटेरियल है और उसका यंग मॉडुलस दिया है 200 GPa, और सो इस बीम का मास हम लोग निग्लिजिबल कंसिडर कर रहे हैं। तो इसमें यह दिया है कि इफ सिस्टम इज क्रिटिकली डैम्प्ड देन डैम्पिंग कांस्टेंट क्या होगा। तो अगर सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड है तो वो केस में डैम्पिंग कांस्टेंट सी इज इक्वल टू सी सी, और सी सी क्या होता है, सी सी होगा 2m ωn। तो ये हम लोग फाइंड करते हैं। अब 2m एज इट इज होगा, और ये जो ओमेगा एन है ये क्या होगा, अंडर रूट K/N। बट यहाँ पे ये बीम है और इस बीम की कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है, ठीक है, तो ये जो मास होगा ये क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। तो इस केस में, तो ये केस में ये जो अंडर रूट K/N है ये रिड्यूस होके हो जाएगा G/डिफ्लेक्शन। तो इसका जो डिफ्लेक्शन मिलेगा इस एंड पे वो हम लोग फाइंड करेंगे, और उससे हम लोग को डैम्पिंग कांस्टेंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को ये फाइंड करना है कि यहाँ पे इस एंड पे कितना डिफ्लेक्शन होगा। सो दिस इज द केस ऑफ कैंटिलीवर बीम लोडेड एट एंड। तो वो केस में इसका फॉर्मूला होता है P L³ / 3 EI। दिस इज द लोड, दिस इज द लेंथ ऑफ बीम, दिस इज यंग मॉडुलस एंड दिस इज द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो यहाँ पे लोड कितना होगा, ये हो जाएगा 20 × G × लेंथ इज 1000 mm, इसका मतलब 1 m, ठीक है, इसका क्यूब अपॉन 3 × E इज 200 GPa, मतलब ये हो जाएगा 200 × 10⁻⁹ N/mm²। अब क्रॉस सेक्शन एरिया मुझे दिया है 25 × 25। सो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के लिए एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा दिस इज ⁴/12, बट ये mm में देगा मुझे, मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। सो ये हो जाएगा 10⁻²। अब सो ये हो जाएगा 20 G/3⁶ × 25⁴, और ये नीचे 12 था ये ऊपर चला गया, एंड ये यहाँ पे 10⁻¹ था ये ऊपर जाके 10 से मल्टीप्लाई हो गया। अब हम लोग इसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं 2 × m। अब m जो है यहाँ पे 20 दिया हुआ है, अंडर रूट G/20 G × 120, और ये नीचे था सो ये ऊपर चला जाएगा, अब ये जी जी कैंसिल हो गया, और ये 1 जा ये 2 जा, सो मुझे मिल जाएगा 2 × 20 √25⁴ / सो अंदर 20 × 20 मतलब बाहर आ गया तो सिंगल 20 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, और सी इज इक्वल टू ये 2 × 25⁴, सो ये हो जाएगा 625 1250 N/sec/m। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन।